बम बम भोले, बम बम भोले। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैं भगवान शिव के जयकारे क्यों लगा रही हूँ। वेल, स्टार भारत के सीरियल राधा कृष्णा के आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि राधा कृष्ण की रासलीला में भगवान शिव पहुँच जाते हैं। दरअसल बरसाना में राधा और कृष्ण मिलकर रासलीला रचा रहे होते हैं, वहीं भगवान शिव लड़की के भेष में रासलीला में शामिल हो जाते हैं और राधा और कृष्ण के साथ मिलकर झूम कर नाचने लगते हैं, जिसके बाद बरसाना की धरती पावन हो जाती है। वहीं रासलीला के दौरान स्वर्ग से फूलों की बारिश होती है, सभी देवता मिलकर फूलों की बारिश करते हैं। वहीं बरसाना की पूरी धरती फूलों से महक जाती है। वहीं दूसरी तरफ कृष्ण को भी इस बात की खबर होती है कि उनके इष्ट देवता बरसाना की धरती में पधारे हैं। फिलहाल अब देखना यह है कि भगवान शिव आखिर क्यों पहुंचे हैं बरसाना की धरती में। क्या उनका कोई उद्देश्य है? क्या वो राधा और कृष्ण को मिलाने के लिए पहुंचे हैं बरसाना की धरती में? ये सारी अपडेट्स जानने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और पाइए अपने फेवरेट टीवी शो से जुड़ी हर खबर सबसे पहले। वैसे ये खबर आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। बम बम भोले, बम बम भोले। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैं भगवान शिव के जयकारे क्यों लगा रही हूं। वेल, स्टार भारत के सीरियल राधा कृष्णा के आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि राधा कृष्ण की रासलीला में भगवान शिव पहुंच जाते हैं। दरअसल बरसाना में राधा और कृष्ण मिलकर रासलीला रचा रहे होते हैं, वहीं भगवान शिव लड़की के भेष में रासलीला में शामिल हो जाते हैं और राधा और कृष्ण के साथ मिलकर झूम कर नाचने लगते हैं, जिसके बाद बरसाना की धरती पावन हो जाती है। वहीं रासलीला के दौरान स्वर्ग से फूलों की बारिश होती है, सभी देवता मिलकर फूलों की बारिश करते हैं। वहीं बरसाना की पूरी धरती फूलों से महक जाती है। वहीं दूसरी तरफ कृष्ण को भी इस बात की खबर होती है कि उनके इष्ट देवता बरसाना की धरती में पधारे हैं। फिलहाल अब देखना यह है कि भगवान शिव आखिर क्यों पहुंचे हैं बरसाना की धरती में। क्या उनका कोई उद्देश्य है? क्या वो राधा और कृष्ण को मिलाने के लिए पहुंचे हैं बरसाना की धरती में? ये सारी अपडेट्स जानने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और पाइए अपने फेवरेट टीवी शो से जुड़ी हर खबर सबसे पहले। वैसे ये खबर आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।